हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर गेमिंग में। मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं सागर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने भाई पहले भी अपनी एक माइनक्राफ्ट के ऊपर, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के ऊपर सीरीज स्टार्ट करी थी भाई, पर वो क्या हुआ कि हमारा जो वर्ल्ड था वो डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से हम आज दोबारा से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। अपडेट करते करते पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं था कि इसमें एप्लीकेशन और एक्सटर्नल वाला सीन होता है, तो इसलिए वो डिलीट हो गया, पर अब सब ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज़ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के ऊपर दोबारा से। और सॉरी, मैं बीच में बिजी हो गया था तो वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए भाई सॉरी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय बर्बाद किए। आपको पता ही है हमें क्या करना है, जल्दी से क्रिएट न्यू वर्ल्ड और सीधे क्रिएट। ओके, तो भाई मैं सीड्रेस लगाना भूल गया, एक मिनट बस। तो जल्दी से वर्ल्ड क्रिएट हो जाए, उसके बाद दोबारा से इसमें शेडर लगाएंगे जल्दी से। सो के वर्ल्ड तो लोड हो रहा है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई हम कहाँ पे स्पॉन हुए हैं। चलो बायोम तो अच्छा है, तो जल्दी से मैं आपसे शेडर लगाता हूँ, जल्दी से मिलता हूँ। सो के मैंने शेडर्स लगा लिए भाई साहब, एक बार अब देखो भाई मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ स्वीडोस में, भाई कितना मस्त लग रहा है ये। पर ये भाई ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है यार, भाई यही सबसे गंदा लगता है। मतलब शेडर्स पता नहीं क्या है, मैं इसलिए नहीं खेलता था इसमें क्योंकि भाई ये जब तोड़ते हैं ना वैसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। अगर आपको इसके पास, मतलब आपके पास कोई इसका फिक्स है तो बताना ज़रूर कमेंट्स में। बाकी तो भाई कितने मस्त लग रही है पत्तियाँ, देखो एक बार आप। और आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं भाई अगर शेडर्स अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, और इसलिए भी बता सकते हैं कि अगर आपको ये शेडर्स डाउनलोड करने हैं तो भाई मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ अगर आप बताएं। कमेंट्स में लिख देना, मतलब बस मैं पक्का इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो हमें सबसे पहले बस स्टोन ढूँढने, तो मैं पहले नॉक्स के एक प्लैंक्स बना लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ। और भाई बैकग्राउंड वॉल्यूम के लिए प्लीज़ सॉरी भाई, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता भाई। मैंने अब तक 5 बार वीडियो बनाने की ट्राई करी है सच्ची बताऊँ तो आपको, पर भाई हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है, तो भाई ये मेरा लास्ट ट्राई है, काश इस बार बन जाए भाई। हमेशा पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, नहीं तो भाई वीडियो अपने आप बंद हो जाती है, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा, काश इस बार बन जाए। तो जल्दी से हम चलते हैं भाई, बस आज का हमारा मोटिव है कि हमें बस एक विलेज ढूंढनी है जहाँ पे हम अपना नया वर्ल्ड चलाएंगे, मतलब दोबारा से हम। तो सब भाई हमें स्टोन चाहिए ना, मैं पहाड़ी पे इसलिए आया था भाई, पहाड़ियों पर ज़्यादातर स्टोन मिल जाता है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा यहाँ पे। एक मिनट इसके ऊपर चढ़ते हैं, ओके भाई नहीं मिल रहा क्या दूसरी तरफ, ओके इधर तो नहीं है यार, पर वुड तो बहुत सारी है भाई, वुड की कमी नहीं पड़ेगी इस बार हमें। ओके भाई डोगी भी हैं, ओके तो यहाँ पे स्टोन है पर यहाँ जाना मुश्किल है, तो कोशिश करते हैं जंप की भाई। इस बार थोड़ा बहुत मैं सीख गया, मतलब पहले जितना नोब नहीं हूँ मैं। जल्दी से फिर, ओके भाई साहब कोबलस्टोन भाई लो, इससे अच्छा हम ऊपर से ही कूद जाते, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी। तो ज़्यादातर तोड़ लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे मैं सीधे विलेज ढूंढूंगा भाई, थोड़े बहुत वेपन मतलब हथियार बना के सीधे विलेज ढूंढूंगा। और भाई एक बेड तो हमें ज़रूरी चाहिए भाई, बेड मुझे नहीं भाई, रात सबसे ख़तरनाक लगती है भाई इस गेम में मुझे अब भाई। पहले मैं सोचता था भाई मोब कुछ नहीं कर पाते इतना डैमेज, भाई बिना आर्मर के भाई मोब ना इतने ख़तरनाक हैं इस गेम में भाई, बस पूछो मत। तो जल्दी से मैं बनाता हूँ भाई, क्राफ्टिंग टेबल कितनी डेंजर लग रही थी यार। तो मैं एक पिकैक्स और एक एक्स बनाऊँगा बस, एक बार आप देखो भाई कितनी मस्त लग रही है। चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, ओके तो जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं,
वो इधर ही चलते हैं, ए बीडू भाई। बाद में डोगी भी पालेंगे इस बार हम। भी 1 मिनट यार, हम किधर से आए थे भाई? मैं जगह भूल गया अपनी। हम इधर से आए, मतलब हम उधर से आए थे ना, तो हमें इधर जाना था। हाँ मैं भाई एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि उधर से हम आए तो हम इधर जाएंगे, तो सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर हम एक जगह घूमते रहेंगे ना भाई, बहुत कम चांसेस होते हैं भाई। मैं बताऊँ आपको, आप एक डायरेक्शन में अगर जा रहे हो ना भाई, सीधे सीधे बस उसी डायरेक्शन में चलते रहो भाई। विलेज मिलनी होगी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी मिलती हैं, जैसे भी आप स्पॉन हुए तो बस एक डायरेक्शन में चलते जाओ भाई, विलेज मिलनी तो भाई पक्की है। अगर ये होगा जैसे मैं घूम रहा था अभी भाई, भूल गया था मैं, ऐसे होगा ना भाई, ऐसे बहुत मुश्किल होता है विलेज ढूंढना। तो के भाई मैं पहले खुले एरिया में चला जाऊँ, एरिया में भाई, मैं भी एलिए बोल रहा था अभी, पता नहीं क्यों। ओके तो इधर की साइड पानी है यार, तो हमें दूसरा टापू दिख गया थोड़ा सा। भाई मुझे पता है, मैंने कहा भी, पर पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ इधर। ओ भाई भाई पता नहीं नया अपडेट कितना मस्त आया है। सच में भाई बहुत मस्त है अपडेट। भाई क्या था, कोल है यहाँ बहुत सारा। मैं बताऊँ मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ भाई शीप ढूंढने। भाई कितना मस्त सर्कल है, एक बार देखो भाई साहब। भाई शीप गुफा में नहीं मिलती, भाई एक बार बस शीप मिल जाए फिर चलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो तो जगह है ना, इसमें ज़्यादातर शीप मिलती हैं भाई। शीप दे दो भाई, बस एक बार शीप मिल जाए उसके बाद हम सीधे चलेंगे। भाई कितनी हाइट हो गई है यार इस वाले में, उसमें नए अपडेट में। थोड़ा सा फूड भी ले लेते हैं भाई, ख़त्म हो गया हमारे पास। एक बार हम फूड और शीप थोड़ी सी कलेक्ट कर लें, उसके बाद चलेंगे भाई साहब। भाई ज़्यादा हाइट नहीं होगी क्या इस बार गेम में, मुझे लग रहा है ऐसा। ओके भाई ये क्या है? ओ भाई साहब, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। इसका ना हमेशा एक बार, बस ठीक है भाई, हम शुक्रिया करने आए थे इसके, मतलब दहलीज पे। दहलीज तो आपको पता होगा किसे कहते हैं, मतलब जैसे घर का होता है, घर की बाउंड्री होती है ना, उसे दहलीज कहते हैं भाई। मैं उसे बस शुक्रिया करने गया था भाई, इसके चक्कर में भाई शी। हाँ चलो बैठ का इंतजाम हो गया भाई, मैं भी क्या हूँ, बस फूड और कलेक्ट कर लेते हैं एक बार। दे दो भाई, हाई कितने गजब लग रहे हैं घर, और ये बड़ा नहीं है ज़्यादा कुछ। हाँ भाई लग रहा है मुझे बड़ा सा, या फिर गलत हूँ मैं भाई? ये क्या है भाई, ये पानी है। एक बार ये देखो, एक बार भाई साहब ऐसा लग रहा है कोई बना के छोड़ के गया हो भाई, सच्ची में बहुत गजब है भाई साहब। भाई मैं तो इसी घर में रहूँगा, आप बताना। अभी और भी घर देखेंगे वैसे तो हम, अगर कोई और सा पसंद। भाई ये गलत चीज़ बना रखे, ये बहुत गलत चीज़ है, देखो एक बार कितनी गंदी लग रही है ना, इसमें बैड है। दो दो लाइब्रेरियन भाई साहब, पर मस्त है भाई विलेज मस्त है ये। जल्दी से पहले बैठ जा वाली जगह ढूंढते हैं। ओ भाई शीप मिल गई शीप, अरे एक का कुछ नहीं कर पाएंगे ना भाई साहब। वेकअप भाई, मुझे आ गया भाई अब ये, पहले ना वेकअप करना पड़ता है भाई। मैं तो नहीं तो सीधे मारता था, पता नहीं क्यों।
सो फाइनली भाई हमें अपनी पहली विलेज मिल चुकी है, और मैं चाहता तो नहीं मार देता हूँ इसे, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था इसे मारने का। भाई कितना गजब लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस पर कूदूँ तो ऊपर आगे वाली पे भी चला जाऊँगा। भाई घर तो बहुत ही सारे हैं इस वाली विलेज में। ये कितनी दूर है, 90-350। हम कहाँ स्पॉन हुए थे, हम जहाँ तक ज़ीरो पे हुए थे, ज़ीरो 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 पे हुए थे क्या भाई, मैं भूल गया सच्ची में। भाई इस घर का गेट है भी, ओके भाई ये तो वो वाला घर है जिसमें घुस के खड़ा रहता है हमेशा। ओ भाई मैंने खाने पे ध्यान नहीं दिया, मैं हेबे तोड़ता हूँ थोड़ी सी हेबे, तो हेबे तोड़ते हैं जल्दी से। भाई खाना ख़त्म हो गया हमारा, जल्दी 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 जल्दी। भाई ये कैसी आवाज़ आ रही है भिन भिन की, तो ओके भाई 15 ब्रेड मिल चुके हैं हमें, चलो खाने का इंतज़ाम हो गया। भाई विलेज मिल जाए ना भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती आपको सच्ची में। भाई इसमें एक जगह होती है विलेज में, उसे कहते हैं मतलब जहाँ पे आर्मरर रहता है, एक आर्मरर पता नहीं क्या कहते हैं उसे, पर उससे ना भाई सच्ची में वो मिल जाते हैं, ज़्यादातर उसमें आयरन का सामान मिलता ही है। और यहाँ पे भाई विलेजर भी है, तू क्या दे रहा है वैसे। भाई रुकना ट्रेड, ओके भाई ये तो कुछ नहीं दे रहा, ऊपर कुछ है। सो ओके यहाँ तो कुछ नहीं मिला यार, रुको एक मिनट खाना खा लेता हूँ पहले मैं। भाई विलेज अच्छी है पर कुछ नहीं है इसमें, काश कुछ होता तो भाई मज़ा आ जाते। ओ भाई अभी ध्यान दिया अपने कुछ, ये देखो एक बार भाई साहब, मुझे तो भाई बहुत पसंद आए शेडर्स, कमेंट में आप बताना भाई आपको कैसे लगे सच्ची में यार। तो ओके भाई विलेज मुझे खास पसंद नहीं आई, पर भाई विलेज का इंतजाम। ओ भाई क्या घर है ये, भाई एक बार क्लियर देखो भाई साहब, मत चमक जा दे रही है यार, चमकती नहीं तो भाई बहुत मस्त लगते सच्ची में। भाई मैं कह रहा था पता नहीं इस घर के ऊपर वाला फ्लोर कहाँ से आ गया, तो केस में भी कुछ नहीं है। काश इस घर में हो यार, तुम ऐसा मत करो करो। ओके भाई इसमें भी वही है कुछ ना कुछ, पर ब्रेड रख लेते हैं हम, भाई ब्रेड ही है उसके अलावा तो एप्पल एप्पल भाई मैं खास खाता नहीं, क्योंकि मैं गोल्डन एप्पल भाई वो उसके लिए रखते हैं जैसे कहीं हम खास जगह जाते हैं तो उसके लिए अच्छे होते हैं बस ये, क्योंकि फालतू वेस्ट करना तो भाई बड़ी बेकार बात है ना। सो ओके भाई हमने विलेज तो चेक कर लिया और इसमें कुछ खास हमें मिला भी नहीं है। भाई कितने मस्त लग रही है पर अब शेडर्स में, सच्ची में भाई बहुत सुंदर। भाई हमें आयरन नहीं मिला क्या, हाँ यार आर्मर भी नहीं मिला। ओके तो मुझे तो अच्छी लगी भाई साहब जो भी है, तो सीधे चलते हैं। सो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, आपको कैसी लगी हो मुझे बताइए। वीडियो थोड़ी सी छोटी है भाई, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि भाई मैंने 5 बार वीडियो रिकॉर्ड करी है, और पता नहीं क्यों ये या तो मेरा बैड लगता है भाई, हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत आई, तो फाइनली ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। सो ओके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।